आम है ही ऐसा, बस नाम का आम है वरना बहुत खास है। हमें दोनों डिशेस में से किसी भी डिश में गैस तक ऑन नहीं करना है। उससे ज्यादा मुझे ये अच्छा लगा, मुझे वो ज्यादा अच्छा लगा। क्या बोला? कुछ नहीं सुना मैंने, कुछ कुछ नहीं। इधर आओ इधर आओ इधर आओ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने मेरे पिछले बहुत बहुत सारे वीडियोस व्लॉग्स में कहते हुए सुना होगा, इट इज सैटरडे सो वी आर फिल्मिंग दिस, इट इज सैटरडे सो वी आर डूइंग दिस, इट इज सैटरडे सो वी आर गोइंग टू मंदिर। बट टुडे फॉर अ वेरी वेरी गुड चेंज आई वुड से, इट इज अ वीक डे एंड वी आर व्लॉगिंग रेदर फिल्मिंग। इट्स अ सरप्राइज टू मी इवन, बट आई फील अच्छी बात है। अब शायद सैटरडे संडे तक ये वाला वीडियो आ जाएगा, वरना सैटरडे संडे आर द डेज व्हेन आई एम फिल्मिंग। सो या ना ना, आज कोई लीव नहीं है, ऑफिस इज ऑन। इट्स जस्ट दैट आई एम वर्किंग फ्रॉम होम टुडे बिकॉज आई फेल्ट लाइक डूइंग सो। पर्सनली उस चीज का भी मेरे पास कोई ओवर एक्सप्लेनेशन नहीं है। सही बात है, हर बार हर चीज की कोई वजह नहीं होती। सो या वो डिड आई जस्ट सॉ अ स्मॉल लिजर्ड इन माय रूम। अंग्रेज बने फिर रहे हैं, एकदम छोटू सी चिपकली है कर्टन के वहाँ। आई एम नॉट एट ऑल स्केयर्ड ऑफ इट, बट आई फील लाइक गेटिंग रिड ऑफ इट। बस मेरे रूम में यहाँ घुसना चाहे एक मिनट। ये अभी इसी कर्टन के पीछे थी और मुझे ऐसा लग रहा है कि घूम के उस साइड चली गई है। एंड आई हैव अ वेरी लो बेड, इसको निकालना पड़ेगा। क्या पता ये रात को मेरे साथ ऊपर आके सो गई तो। आजा बहन, बाहर घूमने चलते हैं। अभी मुझे दिख भी नहीं रही है। कूल, आई एम बैक। मैं यहाँ कोई टैंपलेट नहीं डालूंगा, मेरा खुद का चेहरा और खुद की आवाज ही ठीक है। पूरे 15 मिनट्स लेटर, मिशन कंप्लीट। अब मुझे ऐसा थोड़ा रिलैक्स लग रहा है। वेल, आई एम ऑल्सो होम बिकॉज आई एम फिल्मिंग अ कुकिंग वीडियो फॉर यू ऑल। मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आता ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप लोग को भी अच्छा लगता है व्हेन आई कुक। सो यस, टाइटल और थंबनेल लेके आपको ऑलरेडी आइडिया तो होगा ही। आइडिया तो क्या, आई एम वेरी श्योर आप लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी होंगे बिकॉज आम है ही ऐसा, बस नाम का आम है वरना बहुत खास है। व्हाट अ लाइन, बस नाम का आम है वरना बहुत खास है। वाह 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 वाह। इसी बात पे मैंगो लवर्स, पहले वीडियो को पॉज करो, हिट द लाइक बटन एंड फिर वीडियो में आगे बढ़ो। सो यस, वी आर मेकिंग मैंगो डेजर्ट्स। हाँ जी, हम दो दो डिश बनाने वाले हैं, मैंगो फ्लोट एंड मैंगो पुडिंग। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर इट। एक्साइटमेंट के चक्कर में मैं ऑलरेडी मेरे थोड़े ज्यादा से शॉर्ट्स गीले कर चुका हूँ। मैं भी हैंड वॉश कर रहा था चिपकली के बाद, एंड पूरे गीले हो चुके हैं। सो हम फट से चेंज करते हैं, आपको डायरेक्टली मिलते हैं टू द किचन। यस, गुड इवनिंग मम्मा। किचन हो गया पूरा क्लीन? हाँ। वाह बढ़िया, पूरा सेट कर दिया आपने। हाँ। वैसे मैं पीछे से मामा को ऑर्डर देके गया था, थोड़ा सा क्लीन करके रखना। आपको पता है ना आज हम क्या बना रहे हैं? हाँ। आप टेस्ट करोगे ना? हाँ। पक्का? आपके शक्ल से लग नहीं रहा है। नहीं करूंगी टेस्ट। पक्का? पक्का। आप लोगों को पता है मैंने मामा को ऐसा सवाल क्यों पूछा? मैं आपको जो भी बताने वाला हूँ उससे ना आपको थोड़ा सा शॉक झटका लग सकता है, लाइक लिटरली लग सकता है। बता दूं मामा? बता, क्या बता? मामा को ना मैंगोस बिल्कुल नहीं पसंद है, लाइक फलों का राजा आम, आम नहीं पसंद है। एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, रॉ आम तो वो कभी कभी नहीं खाते हैं। मैंगो शेक ये वगैरह ठीक है, लेकिन मैंने कभी भी नहीं खाते मैंगो। इसलिए मैं मामा को बार बार पूछ रहा हूँ, मामा आप मेरा डेजर्ट खाओगे तो सीना? खाओगे ना पक्का? के ऐसे ही बोल रहे हो? पक्का खाओगे ना? ठीक है, टेस्ट कर लेना। वेल गाइस, टुडे आई एम वेयरिंग द मोस्ट वियर्डेस्ट कॉम्बो एवर। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चलता फिरता कसाटा लग रहा हूँ। आई वाज फीलिंग टू लेजी टू चेंज। हम एप्रॉन डाल देते हैं एंड शुरू करते हैं। पहले बनाते हैं मैंगो फ्लोट बिकॉज दैट विल टेक अ लिटिल टाइम टू सेट, एंड दूसरा वाला डिश तो बहुत जल्दी बन जाएगा। हार्ड इट विल टेक 20-25 मिनट्स, सो वो हम बाद में बनाएंगे। दोनों के दोनों डिशेस बहुत इजी, सिंपल एंड क्विक है। एंड फन फैक्ट की बात यह है कि हमें दोनों डिशेस में से किसी भी डिश में गैस तक ऑन नहीं करना है। Wow. The ingredients for the mango float are small packet of Marie biscuits, little ghee, vanilla ice cream. हमें melted form में use करना था इसलिए मैंने इसको कप से निकाल के रखा है. Nuts of your choice. सबसे main ingredient that is आम.
आप कोई भी आम यूज कर सकते हो। इधर वी आर यूजिंग केसर आम बिकॉज आई लव दिस लिटल एक्स्ट्रा बिकॉज दे आर टू स्वीट एंड मुझे इसका कलर पसंद है लाइट ऑरेंजिश। वेल सबसे पहले हमको मारी बिस्किट्स को क्रश करना है सो आ जाओ। हमारे बिस्किट्स क्रश हो चुके हैं। डायरेक्टली हम इसको ये वाले वेसल में ही ले लेते हैं जिसमें पूरा डेजर्ट बनने वाला है। क्या बोला? कुछ नहीं। इधर आओ। मुझे बताओ एक बार फिर से बोलो। नहीं। गाइस मम्मा ने क्या तो कमेंट पास किया है पीछे, क्या तो कमेंट पास किया है। मम्मा का कहना है डेजर्ट तो हम पके हुए आम का बना रहे लेकिन मैं खुद मैं कच्चा आम बन के घूम रहा हूँ। वाह क्या लाइन मारी है। वाह चलो शुरू करते हैं। Add on ghee and we gonna mix it. All set. अब इसको refrigerate करेंगे हम for 10 minutes. तब तक mangoes wash करके अब mangoes को chop करते हैं. 2 tablespoon of sugar. शुगर इज एब्सोल्युटली ऑप्शनल बिकॉज मैंगो का स्वीटनेस है आइसक्रीम का है लेकिन डैड को थोड़ा स्वीट ज्यादा पसंद है इसलिए हम थोड़ा शुगर डाल रहे हैं। आई वुड रिकमेंड आप शुगर मत डालना। अब इसको चर्न करते हैं। चलो फिर से मिक्सी। ज्यादा नहीं करना है, थोड़े पीसेस रहने देने हैं एंड वनीला आइसक्रीम पूरा मेल्ट हो चुका है इसे हम एक कंटेनर में ले लेंगे। आज मुझे इतना उल्टा उल्टा लग रहा है इस साइड कुकिंग करते करते बिकॉज ये ड्रॉवर कल से बंद नहीं हो रहा। पैसा बर्बाद। फैंसी मॉड्यूलर किचन बनवाया लेकिन पैसा बर्बाद। कहाँ ड्रॉवर में? ओ पैसा बर्बाद। मिक्स इट वेल। ये भाई साहब भी अच्छे से सेट हो गए हैं। आ जाओ। We'll add on this vanilla and mango का mixture to this. Perfect. अब इसमें जो हमने थोड़ा सा मैंगो बचा के रखा था उसके कुछ few drops भी डाल देंगे। बल्ब्स को थोड़ा सा सेट कर देते हैं। एंड इट्स ऑलमोस्ट डन, लुक्स डैम गुड। अब हम इसे 3-4 आवर्स के लिए रेफ्रिजरेट करेंगे, बाकी का आइसिंग ड्रेसिंग श्रृंगार बाद में। एंड फिर मैंगो फ्लोट रेडी। अ लिटिल लेटर। हेलो जी, मैं ना थोड़ा सा रेडी हो गया हूँ। मैं अहमदाबाद में ही था, नेक्स्ट डे शर्ट डिलीवर हो गया था। यू जस्ट टेक अ मोमेंट एंड लुक एट इट। कितना ज्यादा प्यारा सा शर्ट है। वेल डेजर्ट इज ऑल लेफ्ट टू सेट एंड मुझे अभी याद आया कि मुझे बाहर जाना है, एक छोटा सा मीटिंग है। आई हैव टू कैच समवन एंड या उसके लिए आई एम ऑल रेडी एंड आई वॉज रनिंग लिटल अर्ली सो मैंने एक बहुत ही बढ़िया सा रील बना दिया है एकदम फटाफट। लविंग द प्रिंस। मस्का चलता रहता है। वेल गाइज मुझे ऐसा लगता है ना दो तरह के लोग होते हैं, ए जो कोई भी न्यू चीज लेते हैं बीट एनीथिंग क्लोथ्स फुटवेयर वगैरह कुछ भी एंड वो तुरंत ही निकाल देते हैं एंड टाइप बी जो लेते बहुत कुछ है लेकिन एक पर्टिकुलर ओकेजन का सालों महीनों तक वेट करते हैं एंड फिर वो निकालते हैं। सो विच वन आर यू? वैसे तो मैं हूँ टाइप बी लेकिन मुझे पता नहीं आज क्या हुआ, मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दी निकाल दी बिकॉज आई वॉज जस्ट लाइक लविंग द प्रिंस एंड आई जस्ट कुड नॉट वेट टू वेयर इट। बहुत अच्छे अच्छे एंड प्यारे से शॉट्स आ गए हैं और अब मुझे लेट हो रहा है सो मैं फट से निकलता हूँ एंड फट से आता हूँ एंड डेजर्ट टेस्ट करते हैं। सी या। वन आवर लेटर। हेलो जी, सो आई एम बैक। मीटिंग हो गई है, डन। इट टुक मी अ लिटिल व्हाइल। वेल मैंगो फ्लोट ऑलमोस्ट सेट हो चुका है, इट्स टाइम फॉर डेजर्ट नंबर 2। सो वी शैल प्रोसीड फॉर मैंगो पुडिंग। ब्रेड है ना, खराब लग रही है। अब
नॉर्मल ब्रेड बड़े। वाओ, डेजर्ट नंबर टू शुरू होने से पहले ही आ गई है रुकावटें। ऑप्शन ही नहीं है तो चला लेंगे। वेल फॉर मैंगो पुडिंग यू नीड कोकोनट मिल्क, ब्रेड। इट इज एडवाइजेबल टू हैव होल व्हीट ब्रेड, लेकिन हमारी खराब हो गई सो हम ये वाला ब्रेड ही लेंगे। वी हैव अगेन ड्राई फ्रूट्स, वी आर यूजिंग हियर पिस्ताचियोस एंड मैंगोस ऑफ कोर्स जो हमने ऑलरेडी चॉप करके रखे हैं, एंड यस स्वीटनर ऑफ योर चॉइस, वी आर यूजिंग हनी ओवर हियर। चलो शुरू करते हैं। सो वी टेक कोकोनट मिल्क एंड वी विल एड स्पून ऑफ हनी। वेल, हनी की जगह आप अगावे सिरप भी ले सकते हो, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा कैलोरिक हो जाता है, इट्स लाइक वेरी स्वीट। वी विल नाउ टेक द ब्रेड्स एंड कट डाउन इनटू स्मॉल सर्कल्स। दो तीन ढक्कन उठा लिए हैं अलग अलग साइजेस के। ऐसे बाकी बहुत सारे और कट करने हैं। वी हैव कट डाउन, नाउ वी विल सर्व देम इनटू आवर सर्विंग ग्लासेस। स्मॉल साइज ऑफ द ब्रेड, हम एक साथ दो ग्लासेस बना रहे हैं। कोकोनट मिल्क एंड सम मैंगोस। वी विल रिपीट दिस प्रोसेस जब तक ग्लास फुल हो जाता है। सो बोथ द ग्लासेस आर फुल, नाउ एड पिस्ताचियोस। It's done, so damn tempting. अब इसको भी हमें 20 to 25 minutes refrigerate करना है। Outfit one Casata inspired था और ये जो इसके ऊपर टूटी फूटी होती है ना, ये वो है। लेकिन नीचे कच्ची कैरी remains constant. Cheers. A little later. 3 hours later, all set. This is also all set. आ जाओ जी, थोड़े से एस्थेटिक फोटोज वीडियोस लेते हैं। मैंगो फ्लोट का बचा गुचा गार्निशिंग भी कर देते हैं। ऑल रेडी टू सर्व। मोर मैंगोस, ड्राई फ्रूट्स, मारी बिस्किट्स एंड ये बचे हुए पिस्ताचियोस। नाउ इट्स ऑल रेडी। मामा पापा से पहले टेस्ट करवाएंगे, देखते हैं मैं पास हुआ या फेल। लेट्स गो। रेडी हो ना? जूरी एक्साइटेड है। मामा पहले ये वाला टेस्ट। अच्छा लग रहा है। थैंक यू, मेहनत भी बहुत की है। डैड आप इसमें से एक ग्लास लो। यस। आप ये टेस्ट करो। स्पून्स। दिखने में तो बहुत बेस्ट लग रहा है। थैंक यू डैड। अब रहा टेस्ट। बाद में आप एक्सचेंज कर लेना दोनों। ये तो बहुत अच्छा लगा। ओके, मुझे ये बताओ कि कौन सा ज्यादा अच्छा लगा? उससे ज्यादा मुझे ये अच्छा लगा। मुझे वो ज्यादा अच्छा लगा। टेस्ट बहुत यम्मी। इसमें मैंगो फ्लोट बहुत ही अच्छा लगा। से मैंगो फ्लोट की जीत होती है। बुरा नहीं है, लेकिन वो ज्यादा अच्छा है। ओके, तो फिर मैं पास हुआ या फेल? पास, पास। यही सुनना था। साइग ऑफ रिलीफ। दोनों को मजा आया? Yes. दोनों डेजर्ट्स एंजॉय किए? बहुत मस्त। मुझे पता है आप दोनों को मैंगो फ्लोट ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन मैंने टेस्ट किया, मैंगो पुडिंग इतना बुरा नहीं था। मैंने वो बोला बुरा इतना नहीं है। ठीक है, अब कवर मत करो। लेकिन वो ज्यादा अच्छा है। दोनों अच्छे थे। ठीक है, अब आते हैं आज के सवाल जवाब पे। आर यू गाइस रेडी? क्वेश्चन नंबर वन। बहुत ही आसान से सवाल लिए हैं आज मैंने दोनों के दोनों। क्वेश्चन नंबर वन, एक टेलर है, उसके पास 16 मीटर का एक कपड़ा है। अब वो 2 मीटर का कपड़ा 1 घंटे में काट देता है। Yes. तो 16 मीटर काटने के लिए कितने घंटे लगेंगे? 2 मीटर 8 नहीं 7 होगी। 2 मीटर कपड़ा बचेगा वो थोड़ी गिरने का है। वेरी क्विक, वेरी क्विक। लास्ट के जो 4 मीटर बचेंगे उसमें 2 मीटर उसमें होंगे, बाकी बचे 2 मीटर वो थोड़ी गिरेगी। आज से मैं हर बार Q&A में 2 contestants बिठाऊंगा, ताकि अगर एक है तो दूसरा एक्सप्लेन कर ले, मेरा थोड़ा ड्यूटी कम हो जाएगा एक्सप्लेन करने का। वाह मामा, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था। वेरी क्विक विद द फर्स्ट वन। चलो क्वेश्चन टू। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक बकरा रहता है, अगर वो दूध इंडिया में देता है और रहता पाकिस्तान जाके है, तो दूध किसका होगा, इंडिया का या पाकिस्तान का? इंडिया पाकिस्तान का, आप ही सोचो, मुझे तो नहीं आ रहा है। सोचो सोचो। तू अपने बाप को कंफ्यूज क्यों कर रहा है, इंडिया हो या पाकिस्तान, दूध तो बकरे का ही है ना। बकरा दूध देता है?
दूध बकरी देती है, मुझे पता ही था आप लोग यहाँ फंसोगे। इट वॉज अ ट्विस्ट गेम। और ये इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान का बकरे का कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पे। मैंने सोचा मुझे आ ही नहीं रहा था। दिस वी कम टू एंड टू दिस वीडियो। आई रियली एंजॉयड फिल्मिंग एंड मेकिंग बोथ द डेजर्ट्स। दोनों के दोनों डेजर्ट्स बहुत अच्छे बने थे। आई वुड हाईली रिकमेंड आप दोनों के दोनों डेजर्ट्स जरूर ट्राई करना। हाँ भाई, मैंगो फ्लोट ये इनका ओपिनियन है, लेकिन मैंगो पुडिंग इतना बुरा नहीं बना था। मेरी मानो, दोनों ट्राई करना। इनका टेस्ट बड अलग है, अपना टेस्ट बड अलग है। सो अभी के लिए चलते हैं। वी शैल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो सुपर सून। टिल देन, बाय बाय, बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव। चीयर्स। कल अभी इसको मैं वेस्ट नहीं होने दूंगी। कल है ना, मलाई कोफ्ते बना देंगे, ये बाइंडिंग के लिए काम आ जाएंगे। अभी तेरे वेस्ट को मैं वेस्ट कर रही हूँ। यही तो माओ का काम होता है। तो? वाह माँ वाह।